ईवीएम की हेरा फेरी कराई गई है वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी का इतिहास कुछ बेहतर नहीं रहा है, तो किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में था, भाजपा की रैलियों में कहीं कोई 10 आदमी नजर नहीं आते थे, वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। अभी एक नया युग चालू हुआ है, चोरों का एक टीम बना है, भारतीय जनता पार्टी ने एक चोरों की टीम बनाई है। मिर्जा खालिब का शेर था, हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों की संख्या में मिलेंगे, वही अंधभक्त गधे हैं देश में। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारत की जनता को गुलामी पसंद है, क्यों कह रहा हूं ये बातें समझने की जरूरत है। 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया है भारत के ऊपर, 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया है। अब बहुत जल्दी फिर से भारत में वही स्थिति आने वाली है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है और राजतंत्र। बहुत जल्दी भारत की जनता इसको देखेगी। देश में जिस तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करा रही है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा रहे हमारे देश के अंदर, निर्वाचन आयोग तो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाली कठपुतली है। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव देखने को मिला और जिस तरीके से ईवीएम की हेरा फेरी कराई गई है, वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी का इतिहास कुछ बेहतर नहीं रहा है। जब वो घर से जेवर चोरी करके भागा था, तो अब देश में अगर ईवीएम की चोरी करा रहा है, तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी घर का जेवर ही लेके भागा था, कोई खाली जेब तो भागेगा नहीं। अरे 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ के भागा था, तो नरेंद्र मोदी का इतिहास ही कुछ ऐसा ही है। तो किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में था, भाजपा की रैलियों में कहीं कोई 10 आदमी नजर नहीं आते थे, वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है। अगर इतना ही होता तो पंजाब में भी जीतते, क्योंकि पंजाब की जनता जागरूक है। शेर है शेर, वहां नरेंद्र मोदी की हेरा फेरी नहीं चली। तो जहां की जनता मरे हुए मुर्दे की तरह समान रहेगा, वहां तो ये सब होगा। वैसे भी भारत की जनता 75% आज के समय में कहूं तो कोई दारू पे बिकता है, कोई तारी पे बिकता है, कोई चाय पे बिकता है, कोई मित्रता में बिकता है और कोई पैसे पे बिकता है। तो लोकतंत्र ये तो फालतू का तंत्र है। यदि एक नगर निगम के चुनाव के लिए 5 लाख रुपया निर्वाचन आयोग एक छोटे से नगर निगम के चुनाव के लिए दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए तय किया है निर्वाचन आयोग ने, क्या काम है 5 लाख रुपया का? एक छोटा सा नगर निगम का, यानी वहां एमसीडी चुनाव कहते हैं, तो एमसीडी चुनाव के लिए 5 लाख रुपए यदि सिर्फ निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो इसका मतलब किसके लिए खर्च करेंगे वो 5 लाख रुपए? क्या चीज में खर्च करेंगे, ये समझने की जरूरत है। अगर यदि
एक विधानसभा में 50 लाख रुपया निर्वाचन आयोग खर्च करने के लिए कह रहा है एक प्रत्याशी को, तो इसका मतलब है दारू के लिए, पैसे बांटने के लिए। जब घर घर पर्चियां हर घर पे पहुंचती है वोटर लिस्ट की, तो नाजायज पैसे का क्या काम है, ये समझने की जरूरत है। मैं हैरान हूं जिन महापुरुषों ने देश को आजाद कराया, उनकी आजादी बहुत जल्दी व्यर्थ में जाने वाली है, क्योंकि एक हिटलर सरकार भारत में स्थापित हो गई है। वो चाहे आरओ को, जो निर्वाचन आयोग आरओ नियुक्त करते हैं, उनके मदद से जीते, चाहे ईवीएम की हेराफेरी से जीते। अब ईवीएम की ही बात कर लेते हैं, जापान से इसकी किट आती है, ईवीएम आता है, तो जापान वाले क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव कराते हैं। अरे ईवीएम क्या है, एक मशीन ही तो है, और मशीन में जो सरकार सेट करेगी वो सेट होगा। कोई बैलेट पेपर तो नहीं है कि ठप्पा लग गया तो चिन्ह इधर नहीं होगा ना उधर होगा। भैया वो मशीन है, मशीन हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, और मशीन तो कंप्यूटराइज है, उसमें तो जो बटन आप क्लिक करके दबाएंगे, जैसे सेटिंग करेंगे वैसे सेटिंग होगा। क्योंकि आप सोचने की बात है कि जब पूरे भारत की पार्टी ईवीएम का विरोध कर रही है, सिर्फ दो व्यक्ति, एक भारत सरकार का तलवा चाटने वाला निर्वाचन आयोग, वो ईवीएम के पक्ष में है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में है। क्यों? यदि बहुमत की ही बात आती है तो बहुमत के आंकड़े में तो कहीं कोई ईवीएम को समर्थन करता ही नहीं, कोई राजनीतिक दल करता ही नहीं, एक भाजपा को, सिंगल भाजपा को छोड़ के ईवीएम का कोई समर्थन नहीं करता, तो फिर भारत देश में ईवीएम पे चुनाव हो रहा है तो क्या कहूं कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटता है कि नहीं चाटता है? 100% चाटता है, माल मिलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ही एक माइनेज की सरकार है। माइनेज करना खूब बेहतर तरीके से जानती है, कैसे मीडिया को माइनेज करना है, कैसे अफसर को माइनेज करना है, कैसे निर्वाचन आयोग को माइनेज करना है, कैसे ईवीएम को हेरा फेरी करवाना है। ट्रक के ट्रक पकड़े गए हैं ईवीएम, वो भी सोचने की बात यह है कि ट्रेनिंग चुनाव से एक दिन पहले होता है ईवीएम कैसे खुलता है, या ट्रेनिंग उससे पहले होता है, 4 महीने पहले परीक्षण देते हैं, क्या चीज के लिए शिविर लगाया जाता है, क्या चीज के लिए ट्रेनिंग इसी के लिए दिया जाता है ना। किसको उल्लू बना रहे हैं ये निर्वाचन आयोग के अधिकारी? ट्रक के ट्रक, वाराणसी में 3 ट्रक थे, 2 भाग गए और 1 पकड़ा गया, ये जीता जागता प्रमाण है। बैलेट पेपर जो सरकारी कर्मचारी अपना मत का प्रयोग किए हैं, वो कूड़े के ढेर में बैलेट पेपर उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, तो क्या निष्पक्ष भारत में चुनाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष चुनाव करा रही है क्या भारत में? बहुत बहुत बधाई हो नरेंद्र मोदी को, चोरों की सरकार ने आखिर फतेह हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, यही कहूं। क्या चोर नहीं हो नरेंद्र मोदी? एक बात और, 23,000 करोड़ का गुजरात में घोटाला हुआ है, 23,000 करोड़ का बैंकिंग घोटाला 1 महीने पहले हुआ है, मतलब वो भी लापता हो गए। चौकीदार हो, क्या चीज की चौकीदारी करते हो ईवीएम की, कि ये कैसे हेरा फेरी करते हैं, और ये जो भारत की बैंकों का पैसा लूट के विदेश में शिफ्ट हुए हैं। 2012 में ठीक है कांग्रेस के सरकार ने देना चालू किया, लेकिन 2017 तक पैसा किसने दिया? 2014 में तो कांग्रेस की सरकार चेंज हो गई थी, तो 2014 के बाद तो जो बाकी फाइनेंस हुए वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है, उस कंपनी को, गुजरात की कंपनी को, गुजरात में जो कंपनी है। तो इसका मतलब, दूसरी बात,
फाइनेंस दोनों सरकारों ने किया, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन वीजा देने का काम किसकी सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तुम चौकीदार क्या चीज के हो भाई?